नमस्कार, मैं नंदिनी सिंह और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। आइए देखते हैं झारखंड और देश दुनिया की बड़ी खबर एक नजर कोहराम झटपट। सीएम हेमंत सोरेन पर अभद्र टिप्पणी करना पड़ा महंगा, गढ़वा पुलिस ने आरोपी ऋषिकेश को भेजा जेल। जामताड़ा में ठनका गिरने से दो बच्चों की मौत, घर के बाहर खेल रहे थे दोनों। पतरातू में टीएसपी से उग्रवादियों ने मचाया उत्पात, पुल निर्माण कार्य में लगे जेसीबी और ट्रैक्टर को फूंका। चाईबासा के खरकई नदी में डूबने से सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत, छोटे भाई को बचाने में गई जान। जामताड़ा में सड़क किनारे कंबल में लिपटा मिला युवक का शव, हत्या की आशंका। सिमडेगा में 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड, वाहनों से अवैध वसूली का वीडियो हुआ था वायरल। बोकारो के पिपरा तालाब में डूबने से बुजुर्ग की मौत, नहाने के दौरान हुआ हादसा। गुमला में नकली शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़, शराब बनाने वाला उपकरण जब्त। जमशेदपुर के खरकई नदी में मिला युवक का शव, मां बोली बेटी की हुई है हत्या। रांची के नामकुम में सागर राम हत्याकांड में एक आरोपी धराया, पिस्टल और गोली जब्त। गिरिडीह के प्रसिद्ध डॉक्टर दीपक बगेड़िया का निधन, कोरोना से थे संक्रमित। देवघर में पुलिस ने 8 साइबर अपराधियों को दबोचा, मोबाइल, एटीएम, नगद बाइक समेत कई सामान जब्त। रांची में फूड डिलीवरी करने वालों से लूटपाट करने वाले 4 धराए, सुनसान इलाके में बुलाकर लूट लेता था खाना और पैसा। गढ़वा में सड़क पर महिला मजदूर ने दिया बच्चे को जन्म, जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ। जमशेदपुर में गुलगुलिया गिरोह के पास धराए चोरी का लैपटॉप, मोबाइल समेत कई सामान जब्त। दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार की बिगड़ी तबीयत, हिंदुजा अस्पताल में भर्ती। घर घर राशन योजना बंद करने पर केजरीवाल ने केंद्र पर साधा निशाना, बोले पिज्जा की होम डिलीवरी हो सकती है तो राशन की क्यों नहीं। ममता बनर्जी को हराने वाले शुभेंदु और उनके भाई सोमेंदु पर राहत सामग्री चोरी का आरोप, बंगाल के काठी थाना में एफआईआर दर्ज। सुशील मोदी पर भड़की लालू की बेटी रोहिणी, बोली घरेलू महिलाओं के प्रति आपकी सोच ओछी। आईसीएआई ने स्थगित की जून में होने वाली सीए परीक्षा, अब 24 जुलाई को होंगे एग्जाम। ऐसे ही झारखंड और देश दुनिया की झटपट खबरों के लिए बने रहिए कोहराम लाइव.com के साथ।